रिया मार्केट से खरीदी करके लौट रही थी, तभी चोर पीछे से आया और रिया को धक्का देकर रिया का पर्स वो चोर लेके वहाँ से भाग गया। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और मदद मांगने लगी। रिया की आवाज़ सुनते ही मेहुल वहाँ पर पहुँचा और पीछा करने लग गया चोर का। चोर दौड़ते दौड़ते कैफ़े में चला गया और पीछा करते मेहुल भी अंदर गया। मेहुल जैसे अंदर गया उसे एक पर्स मिला, वो रिया का ही था, पर चोर नहीं मिला। तो क्या आप मेहुल की मदद कर सकते हैं चोर की पता लगाने में, इन चारों में से वो चोर है कौन? थर्ड नंबर वाला चोर है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर उल्टा कैसे पढ़ रहा है। और उसने आज सुबह ही मार्क की मृत्यु हो जाती है। मार्क की पत्नी यह देखते ही तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है फ़ोन कर। डिटेक्टिव मेहुल थोड़ी देर में ही अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। मार्क की पत्नी कहती है, जब मैं कमरे में आई तो मैंने उसे मरा हुआ पाया। मेहुल का शक दो लोगों पर जाता है कि हत्या के समय खाली दो लोग ही वहाँ पर थे। मेहुल उन लोग से पूछताछ करने लगता है। मालिक कहता है, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हमारी बहुत देखभाल करते थे। कुक कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं जानता सर के बारे में, वो खाली भोजन के शौकीन थे और मैं उनका बहुत ध्यान रखता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्क की हत्या किसने की? हत्यारा माली है, क्योंकि वो कहता है कि सर बहुत अच्छे आदमी थे। उसे कैसे पता कि मार्क की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी नहीं बताया था। तीन दोस्त पार्टी में जाते हैं और बहुत सारी फ़ोटो खींचने लगते हैं। उन्हें फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है। तभी उस पार्टी में सुपरस्टार आलिया आ जाती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आलिया से सेल्फ़ी लेने का अनुरोध करने लगते हैं और कहते हैं, हमारे साथ सेल्फ़ी ले लो। वे आलिया के साथ बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या आप इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि इन चारों तस्वीरों में से आलिया कौन है? सोचिए सोचिए। इसका आंसर है सुनहरे कलर बाल वाली लड़की, क्योंकि वही एक लड़की है जो चारों तस्वीरों में है। इसका मतलब वही सुपरस्टार है।